हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 यशोदानंद रज जन रंजन यशोदानंद रज जन रंजन यशोदानंद ब्रज जन रंजन यशोदानंद ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन जा यमुना तीर वन जारी यमुना तीर वन जारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज
जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे। भज गोविंद राधा जीवन धन
राधा 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 जीवन धन राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे 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 परसाने वाले राधे 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 परसाने वाली 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 राधे 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 परसाने वाले राधे 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 परसाने वाले राधे 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 परसाने वाले राधे बोलो राधे 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 जोशीपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे घाटी में राधे राधे संकर्षण कुंड में राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे गुजरी का लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे बाल पोखरा राधे राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण हृदय में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे युगल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे विमलेश्वर महादेव राधे राधे गंगेश्वर महादेव राधे 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 परसाने वाले 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 प्रेम वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे सुंदरत गाँव में राधे राधे काली यहाँ पर राधे राधे मान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे सिंगार घाट में राधे राधे घाट में राधे राधे ऋषि घाट में राधे राधे निधिवन में राधे राधे पंचीवट में राधे राधे ज्ञान गोदरी राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे राधे अटल वन में राधे राधे निहर वन में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वेणुकुंभ में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे गोलन वन में राधे राधे पांडर वन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे बिहार घाट में राधे राधे अंदर घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे राधे
राधे, खेल कदम में राधे राधे, मथुरारी में राधे राधे, जन्मभूमि में राधे राधे, गोपेश्वर में राधे राधे, स्वामी घाट में राधे राधे, माधुकुंड में राधे राधे, भवन में राधे राधे, पालवन में राधे राधे, कुमुदवन में राधे राधे, खड़िया जी में राधे राधे, भराई गांव में राधे राधे, करुण गोविंद में राधे राधे, भवलावन में श्री गांव में राधे राधे, संतरगुण में राधे राधे, बेरा गांव में राधे राधे, इंद्रगुण में राधे राधे, रविगुण में राधे राधे, दावत गुण में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बरसाने वाले राधे, राधे 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 राधे राधे, बरसाने वाले राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, गौरनिताय जय गौरनिताय, 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 प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद शिल प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद शिल प्रभु पद, जय प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद शिल प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद, प्रभु पद शिल प्रभु पद, जय जय प्रभु पाद, प्रभु पाद, प्रभु पाद, प्रभु पाद, जय जय प्रभु पाद, प्रभु पाद, प्रभु पाद, प्रभु पाद, नित गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, युवराज हरि नाम संकीर्तन की, शील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद आराध्यो भगवान ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावन
तत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशी विमोचितकरा नवनीरदाभा पीतांबरदरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने योऽन्तः प्रवेश मम वा च मीमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलश तिधरस्वदाना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् करारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरारं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामो धर्माधवे भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवसीय प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष स्वागत करते हैं मुंबई से आए हुए भक्तों का। राधा कृष्ण प्रभु और पालिका माता जी का जो हमारे परम वरिष्ठ हैं, शिक्षा गुरु समझिए, हमारे पिताजी का स्थान है इनका, और अपना पूरा जीवन राधा गोपीनाथ जी की सेवा में इन्होंने लगा दिया है। और इनका बहुत बड़ा अनुग्रह है हम पर कि हमें इस प्रकार से सेवा में लगाते रहते हैं, और साथ ही साथ
शोभा माता जी के सुपुत्र अमरीश जी और उनकी धर्म पत्नी नेहा माता जी और उनके तीनों पुत्र अव्यय, ध्रुव और सात्विक, इन सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। और शोभा माता जी की सुपुत्री किरण, किरण नाम है, इनका भी स्वागत करते हैं। और उनके सुपुत्र का नाम क्या है, आशा बेटी है, अच्छा आश, इनका भी स्वागत करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। आज पूरा परिवार आ चुका है, बहुत सुंदर बात है। रामायण में एक प्रसंग है, भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास में गए और उन वनवास के दौरान वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए थे। एक दिन तक वहां पर रुके, दूसरे दिन जब प्रस्थान कर रहे थे तब भगवान राम ने वाल्मीकि जी को पूछा, प्रभु अब मुझे वन में रहना है, अब मेरे रहने के लिए कुछ उचित स्थान बताइए, ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं, मेरी पत्नी सीता और मेरा भाई लक्ष्मण रह सके। बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। तब वाल्मीकि ऋषि ने भगवान राम को रहने के लिए स्थान बताया, 10-12 स्थान का निर्देश किया, प्रभु आप यहां पर रह सकते हो। उनमें से एक स्थान था, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि प्रभु जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ आपकी कथा सुनता है और आपके नाम का जाप करता है, आप उनके घर पर जाकर रहिए। सह परिवार वहां पर ऐसा लिखा गया है, जो अकेले भजन करता है भगवान उन पर प्रसन्न रहते हैं, परंतु जो पूरे परिवार के साथ भगवान का भजन करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवान उनके घर पर प्रवेश हो जाते हैं, उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। तो बहुत सुंदर माहौल है, सौभाग्य है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से अनेकों जन्मों से हमारे हृदय में जो पाप है, जो दुर्वासना है, जो दुर्गुण है, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हृदय को पवित्र करने के लिए सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो है भागवत कथा। प्रोसेस क्या है, प्रभुपाद जी ने प्रोसेस बताई किस प्रकार से भागवत के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध होता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शुणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदि अंतस्थो हि भद्राणी विदुनोति सुहत सता। शुणवताम स्वकथाम कृष्ण, जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, श्री प्रभुपाद जी अपने प्रपोर्ट में लिखते हैं, देर इज नो डिफरेंट बिटवीन कृष्णा एंड कृष्ण कथा, भगवान और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। और जब हम हमारे कर्ण के माध्यम से भगवान की कथा सुनते हैं तो मानो हमारे कानों से भगवान की कथा नहीं, साक्षात भगवान ही कान से हृदय में आ जाते हैं। शुणवताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण की और भागवत की जब कथा सुनते हैं तो हृदि अंतस्थ ही वदराणी, हृदि अंतस्थ, भगवान उस कथा के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से उस भक्त के हृदय में प्रवेश करते हैं। और भगवान जब हृदय में आते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण को पवित्र कहा गया है, अर्जुन कहते हैं पवित्रम परमम भवान, भगवान श्री कृष्ण को गंदगी पसंद नहीं है, कृष्ण बड़े शुद्ध है, साफ सुथरे हैं, पवित्र है।
यदि मैं आपको कहूं आप किसी नए घर में रहने के लिए जा रहे हैं, वो घर 10 साल से बंद है और आपको उनमें रहना है, उस घर में जब आप प्रवेश करते हो और उसमें बहुत धूल धूमिल बहुत कुछ कचरा पड़ा है, तो इस घर में प्रवेश करते ही आप सबसे पहला काम क्या करोगे? भोजन करोगे, सोओगे, साफ करेंगे ना। यदि हम शुद्ध हैं और घर बिगड़ा हुआ है जहां पर हमको रहना है, यदि वह घर बिगड़ा हुआ है तो सबसे पहले उस घर को हम साफ करेंगे। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण बड़े पवित्र हैं, शुद्ध हैं, और वे जब भागवत कथा के माध्यम से कर्ण के द्वारा हृदय में आते हैं, देखते हैं इसके हृदय में बहुत गंदगी है, बहुत कचरा है, बहुत मैल, और भगवान सोचते हैं कि मुझे इस हृदय में रहना है। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे इस हृदय में आकर सबसे पहला काम क्या करते हैं? विधून होती हमारे हृदय को धो डालते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम क्या हमारे हृदय को धो सकते हैं? इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति में यह शक्ति नहीं है कि स्वयं अपने आप से अपने हृदय को साफ कर सके, परंतु प्रोसेस यह है, कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण कर्ण के माध्यम से हृदय में जाते हैं, और हृदय में आते ही कृष्ण सर्वप्रथम हमारे हृदय को साफ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। और भागवत में तो कहा गया विधुनोति, धुनोति का अर्थ होता है धोना। भगवान कृष्ण साबुन पाउडर लेकर धो देते हैं हमारे हृदय को, परंतु भागवत में कहा गया विधुनोति। देखो, धोने धोने में अंतर है। कुछ लोग घर धोते हैं तो इसमें ज्यादा दम नहीं होता है, बड़े बुजुर्ग जब घर को धोते हैं तो बिल्कुल है कस करके धोते हैं। तो भगवान भक्त के हृदय को साफ करते हैं धुनोति नहीं, विधुनोति अर्थात विशेष रूप से धो डालते हैं। भगवान अपने भक्त के हृदय को ऐसा साफ कर देते हैं ताकि फिर से वह बिगड़े नहीं। लेकिन यह हृदय कैसे साफ होगा, हम पवित्र कैसे होंगे? जब हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। तो परम सौभाग्य है श्री प्रभुपाद जी की कृपा से और शोभा माता जी एवं उनके परिवार के सहयोग से हम यहाँ पर पिछले 5-6 दिनों से भगवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए, गत सत्र में मैत्रेय मुनि और विदुर जी का संवाद संपन्न हुआ, अब श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में पुनः भागीरथी गंगा के तट पर श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन करते हुए भगवत कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। गत सत्रों में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई जिनमें 3 कन्या, इन 3 कन्या की कथा आपने गत सत्रों में सुनी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। मनु महाराज के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आपने गत सत्र में मनु महाराज के छोटे पुत्र उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव, उनके वत्सर, उनकी परंपरा श्रवण करते हुए राजा अंग, राजा वेण और पृथु महाराज की कथा आप सबने श्रवण की। अब श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत की कथा सुनाते हैं। अद्भुत कथा है। मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत, जिनके हृदय में वैराग्य हो चुका था, उनके पिता मनु महाराज ने कहा, बेटा विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो। प्रियव्रत जी ने कहा, पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। मनु महाराज ने बहुत समझाया, बोले नहीं, हम ब्रह्मचारी रहेंगे, ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में भगवान की प्राप्ति बहुत जल्द हो जाती है, जल्दी। परंतु गृहस्थ रहना भी
अच्छा है, दोनों आश्रम अपने अपने स्थान पर ठीक है। ब्रह्मचारी जो है वे भी भगवान की प्राप्ति करता है और गृहस्थ भी भगवान की प्राप्ति करते हैं। दोनों में अंतर इतना ही है, ब्रह्मचारी भगवान की प्राप्ति जल्दी कर सकता है, गृहस्थ को थोड़ा टाइम लग जाता है। दृष्टांत देते हैं, जैसे आपको अपने घर से मंदिर में जाना हो तो मंदिर जाने के लिए आपके पास दो माध्यम है, एक तो मोटरसाइकिल और दूसरा है ट्रक। आपके पास दो व्हीकल है, दोनों व्हीकल आपको मंदिर पहुंचाएंगे, लेकिन मोटरसाइकिल लेकर जाओगे तो तुरंत ट्रैफिक में से कैसे भी करके निकल कर जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन ट्रक लेकर निकले तो आजू बाजू में देखते हुए, ट्रैफिक में खड़े रहते हुए, दूसरों को साइड देते हुए धीरे धीरे करके पहुंचेंगे। दोनों मंदिर पहुंचते हैं लेकिन समय में अंतर है, मोटरसाइकिल जल्दी पहुंच जाती है, ट्रक देरी से पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचारी आश्रम जो है ना मोटरसाइकिल की जैसा है, तुरंत पहुंच जाता है, और गृहस्थ आश्रम जो है वो ठेले जैसा है, ट्रक जैसा है, सबको साथ में लेकर चलना होता है, पत्नी बच्चे परिवार सबको देखते हुए है? तो दोनों पहुंचते हैं लेकिन ट्रक को थोड़ी देरी हो जाती है। दोनों में एक एक गुण है और एक एक दोष भी है। मोटरसाइकिल लेकर कोई यदि जाता है तो वो स्लीप होने का भय है। प्रभुपाद अक्सर मोटरसाइकिल को मर्डर साइकिल कहते थे, ये मोटरसाइकिल नहीं मर्डर साइकिल। तो मोटरसाइकिल में भय है गिरने का, अर्थात ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत सतर्क होकर चलना होता है, उसमें पतन होने का भय। परंतु गृहस्थ आश्रम में गिरने का कोई भय है? अब बताइए, ट्रक जा रहा है उसको कोई भय है? यदि एक्सीडेंट हो भी गया तो सामने वाले को चिंता है, ट्रक वाला तो आराम से अपनी धुन में चलता है। तो दोनों आश्रम अपनी अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं और यहां पर मेजोरिटी गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम की विशेषता बताऊं तो कई बार हमारे मित्र हैं ब्रह्मचारी कुछ, तो उनके साथ हमारी डिबेट होती है। हम कहते हैं कि नहीं, गृहस्थों को ज्यादा भगवान मिले हैं, वो कहते नहीं ब्रह्मचारी को। तो फिर हम प्रमाण देते हैं, भागवत में 12 महाजनों का नाम आया है। भागवत में 12 महाजन जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं, प्राप्त किया है, वे 12 महाजनों में मेजोरिटी गृहस्थ है। आप जरा गिनिए, सर्वज्ञ प्रभु गिनिएगा, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकिरवयम। आइए गिनते हैं, गृहस्थ कितने ब्रह्मचारी कितने। स्वयंभू ब्रह्मा जी गृहस्थ, नारद ये इसको ब्रह्मचारी में रख देते हैं, स्वयंभू नारद, फिर शंभु गृहस्थ, फिर कुमार, ये ब्रह्मचारी को रख दीजिए, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल, चलो ब्रह्मचारी में रखिए, कुमार कपिल, मनु गृहस्थ है, प्रहलाद गृहस्थ, जनक गृहस्थ, भीष्म ब्रह्मचारी, प्रहलाद कपिल मनु प्रहलाद जनक बलि गृहस्थ, वैयासकी सुखदेव जी ब्रह्मचारी, और वयम यमराज जी गृहस्थ। सात पांचों, चलो गृहस्थ जीत गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। खैर, दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक है। मुख्य यह है, आश्रम कोई भी हो, आश्रम का उद्देश्य भगवान की भक्ति होनी चाहिए। नारद मुनि इस बात को बड़े सुचारू ढंग से वर्णन करते हैं, जीव का धर्म है भगवान की भक्ति करना, भगवान से प्रेम करना, और उस सनातन धर्म को पालन करने के लिए भगवान ने वर्ण और आश्रम का निर्माण किया। जिनका जैसा स्वभाव है वे उस वर्ण और आश्रम में रहे और भगवान की भक्ति करें।
चैतन्य चरितामृत में लिखा है, चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण ना ही भजे, कोई व्यक्ति कितना भी परफेक्ट रूप से वर्णाश्रम धर्म का पालन करे परंतु कृष्ण का यदि भजन नहीं करता है, सहित पापी रो रो वो पड़े मजे। सुचारू ढंग से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर भी यदि कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, मरने के बाद वे नरक में जाते हैं। खैर, यहां पर मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत की इच्छा हुई कि मैं ब्रह्मचारी बनूं। मनु महाराज सोचने लगे कि हमारे हृदय में कभी ऐसा भाव नहीं आया, हमारे अन्य संतानों के हृदय में ऐसा कभी भाव नहीं आया, इसी लड़के में ऐसा भाव क्यों आ गया कि मैं ब्रह्मचारी बनूं। मनु महाराज अपने पिता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी देखो ना, मेरा बेटा मानता नहीं है, मैं कह रहा हूं शादी करो लेकिन शादी नहीं कर रहा है, अब ब्रह्मा जी आप ही समझाइए। तो मनु महाराज ब्रह्मा जी को लेकर प्रियव्रत के पास आने लगे। ब्रह्मा जी अपने मन ही मन में सोचने लगे कि हमने तो आज्ञा दी थी गृहस्थ बनो, लेकिन आखिर उनकी बुद्धि में ये भूत किसने डाला, कौन उसकी बुद्धि को फेर दिया। ये सोचते हुए ब्रह्मा जी आ रहे थे, आकर प्रियव्रत के पास पहुंचे तो पता चला नारद जी उसके साथ खड़े हैं। ब्रह्मा जी को समझ में आ गया ये नारद की करतूत है, नारद जी इनको मिल गए हैं। भक्त, ये नारद जी के बारे में क्या बताएं? बिल्कुल, नारद जी इस दुनिया के सबसे बड़े प्रचारक हैं और यूथ प्रीचर हैं। नारद जी को यूथ में बड़ा इंटरेस्ट है। दक्ष प्रजापति ने, भागवत के छठे स्कंद में कथा आती है, दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र को जन्म दिया और 10,000 पुत्रों को जन्म देकर 10,000 को कहा कि आप तपस्या करो और तपस्या करके जब वापस आओगे तो हम आप सबकी शादी करा देंगे, क्योंकि विवाह के पहले तपस्या होनी चाहिए। तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र तपस्या करने गए। कुछ समय तपस्या करने के बाद जब वापस लौट रहे थे, नारद मुनि को पता चला कि एक साथ 10,000 का लौट आ रहा है, इतने लोग कहां से, और सब यूथ है। नारद जी तुरंत आकाश के मार्ग से उस 10,000 के सामने खड़े रह गए। अब नारद जी ने पूछा, आप कौन? बोले, हम दक्ष प्रजापति के पुत्र। कहां से आ रहे हो? बोले, तपस्या करके आ रहे हैं। कहां जा रहे हो? बोले, घर पर जा रहे हैं। क्या करोगे घर जाकर? बोले, शादी करेंगे। नारद जी ने कहा, शादी करोगे? शादी का मतलब जानते हो? भक्तों, भागवत में वर्णन है, नारद जी ने मात्र 10 मिनट प्रवचन किया, 10 मिनट में 10,000 वो यूथ को ब्रह्मचारी बना दिया। 10 मिनट का प्रवचन, 10 मिनट में 10,000 लोगों को ब्रह्मचारी। अब बताइए नारद जी का वो प्रवचन कितना तगड़ा होगा। भागवत में ये वर्णन है, 10 प्रश्न, 10 पहेली, 10 पजल बताए नारद जी। नारद जी कहते हैं, शादी करोगे? जानते हो कुछ दुनिया के बारे में? सृष्टि करने चले हो? कथम राष्ट्रम पुरुषम, इस संसार में एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, जानते हो? शादी करोगे? नद्यम उभयतो वाहम, एक ऐसी नदी है जो दोनों डायरेक्शन में बहती है। नदी तो एक ही डायरेक्शन में बहती है ना, लेकिन एक ऐसी नदी है जो दोनों डायरेक्शन में बहती है, जानते हो? शादी करोगे? एक ऐसा चक्र है जो रात दिन घूमता है, पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्रों को रोक नहीं सकते हैं, जानते हो उस चक्र के बारे में? शादी करोगे? क्वचित हंस विचित्र कथम, एक ऐसा हंस है जिसकी विचित्र कथा है, जानते हो? एक ऐसा बिल है जिसमें आदमी जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है, जानते हो उस बिल के बारे में? शादी करोगे? बेचारे सब लोग ढीले पड़ गए, हम चले थे शादी करने, सृष्टि करने, और ये तो कुछ जानते ही नहीं। 10 प्रश्न पूछे नारद जी ने, 10वां प्रश्न जानते? 9 प्रश्न पूछने के बाद, नारद जी आपकी सभी बात सही है लेकिन पिताजी ने कहा है, तुम्हारे असली पिता कौन है जानते हो? ये जो अभी तुम्हारा पिता है, ये शरीर का पिता है, इसके पहले तुम उनके कई बार पिता बन चुके हो, वो तुम्हारा बेटा बन चुका है। असली बाप के बारे में जानते हो? शादी करोगे? 10 प्रश्न पूछा और 10वां प्रश्न
वे 10,000 पुत्र समझ गए और कन्विंस हो गए, बोले नारद जी आप जो कह रहे हैं सही बात है। अब बताइए नारद जी, अब हम तो आपको शरणागत हैं, बताइए हमें क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा सफेद कपड़े निकालो और ये सेफरन पहनो। पहले 10,000 को ब्रह्मचारी बना दिया नारद जी। अब दक्ष प्रजापति को पता चला कि मेरे 10,000 पुत्र को नारद ने ब्रह्मचारी बना दिया। आज इस्कॉन में प्रचार करते हुए एक लड़के को भी ब्रह्मचारी बना देते हैं तो उनके माता पिता इतना हल्ला करते हैं, इतना हल्ला करते हैं। हमारे इस्कॉन में देखिए गिरिराज स्वामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब प्रभुपाद जी ने उनको प्रीचिंग किया वो मंदिर में आ गए तो गिरिराज स्वामी के माता पिता बहुत धनी थे, वे ब्लैंक चेक लेकर आए, प्रभुपाद आपको जितनी रकम लिखनी है लिख दो लेकिन मेरे बेटे को वापस दे दो। प्रभुपाद ने कहा आपका बेटा और ये आपका चेक, ये दोनों लेके जाओ। तो इस प्रकार माता पिता बड़े दुखी होते हैं। दक्ष प्रजापति ने सोचा अरे 10,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, कोई बात नहीं। दक्ष प्रजापति ने दूसरे 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, 1,000 पुत्रों को, और उन 1,000 पुत्रों को कहा जन्म हुआ कहा आप लोग तपस्या करने जाओ और जल्दी जल्दी वापस लौटना, सबके लिए लड़की देखकर तैयार रखूंगा, शादी कराऊंगा। ये 1,000 पुत्र गए तपस्या करने, तपस्या करके वापस लौट रहे थे। नारद मुनि को पता चला, बोले 1,000 का लौट आ रहा है एक साथ, वन बाय वन एक एक करके कौन मगजमारी करेगा, एक साथ 1,000 को। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि वीणा लेकर नारायण नारायण करके आ गए। बोले कहाँ जा रहे हो, बोले घर पे। क्या करोगे, शादी करोगे। उन लोगों को भक्त बनाने में 10 मिनट लगी थी, इनको 2 मिनट में भक्त बना दिया। नारद जी ने एक ही बात कही, देखो छोटे भाई की बुद्धिमानी यही है कि बड़े भाई के पद चिन्हों पर चले। तो उन्होंने पूछा हमारे बड़े भाइयों ने क्या किया, बोले वो ब्रह्मचारी बन गए। ठीक है तो हम भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं। नारद जी के प्रभाव से दूसरे 1,000 का लोट ब्रह्मचारी बन गया है। श्री प्रभुपाद जी इस प्रसंग के प्रपोट में लिखते हैं कि इस संसार में सब लोग शादी करने में बड़े दक्ष हैं। दक्ष प्रजापति, दक्ष माने एक्सपर्ट, दक्ष जो थे बच्चे पैदा करने में एक्सपर्ट थे। 1,000 का लोट, 10,000 का लोट, इस संसार में लोग शादी करने में, बच्चे करने में एक्सपर्ट है। प्रभुपाद लिखते हैं कि लोगों को शादी करने करने दो, बच्चे करने करने दो, हम नारद की परंपरा में है, नारद की तरह सबको प्रचार करेंगे और सबको भक्त बनाएंगे। लेकिन दक्ष प्रजापति को जैसे ही पता चला कि दूसरे 1,000 पुत्र को भी इसने भक्त बना दिया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, बोले जितने को पैदा करते जा रहा हूं उतने सबको ब्रह्मचारी बनाते जा रहा है, एक स्थान पर बैठकर प्रवचन कर पा रहा है इसलिए नारद सबको ब्रह्मचारी बना सकता है ना। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, नारद तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं टिक पाओगे। नारद जी ने श्राप को शिरोधार्य किया, उस दिन से नारद जी एक स्थान पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकते। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम जीवन में 70 साल की आयु में प्रचार प्रारंभ किया मुख्य रूप से इस्कॉन का, और फिर 10 साल की आयु में पूरे विश्व का परिभ्रमण अनेकों बार किए। प्रभुपाद एक स्थान पर ज्यादा टिकते नहीं थे, लोगों ने प्रभुपाद को पूछा प्रभुपाद आप एक स्थान पर टिकते क्यों नहीं हो। उस समय प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था कि जैसे दक्ष प्रजापति का श्राप नारद मुनि के ऊपर लगा था और 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते थे, वैसे ही मैंने अनेक लोगों को ब्रह्मचारी बनाया है, उन सभी के माता पिताओं का श्राप मुझे लगा है कि मैं एक स्थान पर टिक नहीं पा रहा हूं, और ये श्राप बिल्कुल नारद की परंपरा में मुझ पर आया है। तो इस प्रकार ये नारद जी की महिमा है, वे प्रचार करते रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने आकर देखा और मन ही मन में सोच रहे थे कि प्रियव्रत की बुद्धि को कौन घुमा दिया होगा। आकर देखा तो प्रियव्रत के साथ नारद जी खड़े थे, ब्रह्मा जी समझ गए ये नारद का काम है। वहां पार्वती का विवाह करा दिया,
शिव जी के साथ ये भी नारद का काम, और यहाँ ब्रह्मचारी बना, ब्रह्मचारी का उपदेश दिया, ये भी नारद जी का काम। नारद जी थोड़े लज्जित हुए, बोले ब्रह्मा जी समझ गए होंगे, क्योंकि ये लोग मैनेजमेंट के कार्य करता है सृष्टि के, प्रजा की उत्पत्ति का भूत चढ़ा है इन लोगों को। नारद मुनि लज्जित हो गए, वहां से दूर हट गए। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर उपदेश प्रियव्रत को दिया, जो भागवत के पंचम स्कंद में है। संक्षिप्त में इतना ही समझिए, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रियव्रत, तुम्हारे हृदय में वैराग्य है, ठीक है, इस संसार में मनुष्य को विरक्त रहना चाहिए, लेकिन ये विरक्ति जो है हृदय से होनी चाहिए, अंतर से होनी चाहिए। वैराग्य को बाहर दिखाना नहीं चाहिए। बेटा प्रियव्रत, ये वैराग्य आपके हृदय में रखो और बाहर से एक साधारण मनुष्य की तरह आचरण करो, क्योंकि सृष्टि का भार हमारे ऊपर है, सृष्टि को चलाना है। और तुम्हें यही भय है कि गृहस्थ हो जाओगे तो भजन नहीं कर पाओगे। बेटा इस संसार में यह जगत निश्चित है कि जगत सबके लिए कारागार के समान है, परंतु तावत कारा गृहम गृहम, ये जगत तब तक संसार के मनुष्यों के लिए कारागार है जब तक भगवान की कथा नहीं सुनते। बेटा तुम भगवान की कथा सुनोगे तो कभी इस गृहस्थी के चक्कर में फंसोगे नहीं, इस बंधन में नहीं फंसोगे। गृहस्थ रहोगे परंतु विरक्त रह पाओगे। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, बाहर से साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करो और अंदर से विरक्त रहो। रूप और सनातन जब चैतन्य महाप्रभु को मिले तब यही बात बताई, पर व्यसन नारी व्यग्रह आपी गृह कर्मसो। जब रूप सनातन ने कहा प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें मंत्री पद नहीं रहना है, हमें ये कारोबार नहीं करना है, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं रूप सनातन, तुम अपने कर्तव्य करो, क्योंकि इस संसार में जो भगवान का भक्त होता है वे अपने कर्तव्य को परफेक्ट रूप से निभाता है। उन्होंने दृष्टांत दिया, जैसे किसी शादीशुदा नारी का मन पराये पुरुष पर आ जाए, किसी स्त्री का विवाह हो चुका है लेकिन उसका मन पराये पुरुष पर आ जाए, तो वह स्त्री अपने घर का काम इतना अच्छी तरीके से करती है ताकि घर वालों को पता न चले कि इसका मन पराये पुरुष पर आ गया है। महाप्रभु ने यह दृष्टांत दिया, बोले आप अपने गृह के घर में के घर के समाज के कार्य इतने परफेक्ट करो ताकि दुनिया को पता न चले कि आपके हृदय में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति है। तो इस प्रकार विरक्त रक्तवत तत्र, अंदर से विरक्त रहे और बाहर से आसक्त की तरफ पेश आए। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया और प्रियव्रत ने अपने दादाजी की बात को स्वीकार किया। ठीक है दादाजी, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह करूं तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। उसी समय प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की कन्या वारहस्वती के साथ किया गया, जिसे राजा प्रियव्रत को 10 संतान की प्राप्ति हुई, एक कन्या और 10 पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा प्रियव्रत स्वयं तो ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, लेकिन उनके मन में इच्छा थी कि मेरे बहुत सारे संतान हुए तो उनमें से कुछ को मैं ब्रह्मचारी बनाऊंगा। इसलिए राजा प्रियव्रत के 3 संतान ब्रह्मचारी बने, कवि, महावीर और संबंत। 10 पुत्र में से 3 पुत्र ब्रह्मचारी बने और अन्य जो 7 पुत्र थे महाराज प्रियव्रत के, वो 7 द्वीप के राजा बने। ये 7 द्वीप क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक समय की बात, इस संसार में
कई बार इस दुनिया में कुछ जगह पर दिन होता है तो कुछ जगह पर रात होती है। जैसे भारत और अमेरिका को ही ले लीजिए, जब भारत में दिन होता है तो वहाँ रात होती है, वहाँ दिन तो यहाँ रात। राजा प्रियव्रत ये पूरे भाग को प्रकाशित करने के लिए एक दिन सूर्य का पीछा किए, अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और विशाल दिव्य रथ पर सवार होकर सूर्य का पीछा किए, सूर्य की तेज गति, और वे इस पृथ्वी की 7 परिक्रमा किए ब्रह्मांड की। तो उस समय राजा प्रियव्रत के रथ के चक्के से 7 समंदर बन गए। राजा प्रियव्रत के रथ के चक्के से 7 बहुत विशाल विशाल खड्डे हो गए, ऐसे राउंड में, सर्कल में, और 7ों में पानी भरा और 7 समंदर बने, और समंदर के किनारे पर 7 द्वीप बने। राजा प्रियव्रत के रथ से 7 समंदर और 7 द्वीप का निर्माण हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, उनमें जो सबसे बीच में था, इसे आप राउंड करो, 7 राउंड करो तो बीच में एक द्वीप होता है, जो बीच वाला द्वीप था उस द्वीप का नाम हुआ जम्बू द्वीप। उस द्वीप के आजू बाजू में जो समंदर बना वो खारे पानी का समंदर बना। हम देखते ना यहाँ अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, खारे पानी का समंदर। उस समंदर के बाद जो द्वीप बना उस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप, और उस द्वीप के आजू बाजू में जो समंदर हुआ वो गन्ने के रस का समंदर हुआ। अब आप सोचोगे इतना सारा गन्ने का रस, ये भगवान की लीला है। उसके बाद उस समंदर के बाद तीसरा द्वीप बना, उस द्वीप का नाम हुआ शालमली द्वीप, और उसके आजू बाजू में जो समुद्र हुआ वो मदिरा का समुद्र हुआ। उसके बाद चौथा द्वीप हुआ कुक्ष द्वीप, और उसके बाद जो समंदर हुआ वो था घी का समंदर। उसके बाद पांचवा द्वीप क्रोच द्वीप, और उस क्रोच द्वीप के इर्द गिर्द जो समुद्र हुआ वो दूध का समुद्र हुआ। उसके बाद छठा द्वीप हुआ शाक द्वीप, और उसके आजू बाजू में छाछ का समंदर हुआ, और सातवा हुआ पुष्कर द्वीप, जिसकी सीमा में मीठे जल का समंदर हुआ। तो 7 द्वीप और 7 समंदर का निर्माण हुआ। ये लोग गाते हैं ना, 7 समंदर पार आ गई है, 7 समंदर, 7 समंदर बहुत कभी कभी बोला करते हैं, ये वही 7 समंदर है। तो 7 समुद्र हुए, 7 द्वीप हुए, राजा प्रियव्रत के 10 पुत्र, 10 में से 3 ब्रह्मचारी बने, और जो 7 पुत्र थे उन 7ों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था आग्निग्रह, और इस आग्निग्रह को जम्बू द्वीप का राजा बनाया। राजा आग्निग्रह के 9 पुत्र हुए, और राजा आग्निग्रह ने जम्बू द्वीप को 9 भाग में विभाजित कर दिया, 9 खंड में विभाजित किया, और सबको एक एक खंड प्रदान कर दिया। तो प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्रह, और आग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि। राजा नाभि की पत्नी का नाम था मेरु देवी। ये दोनों ने विवाह किया, बहुत समय बीत गया परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ कराया, और ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराने से साक्षात भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। भगवान ने प्रकट होकर कहा, बताओ क्या चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, परंतु हमारे यजमान महाराज नाभि को एक पुत्र चाहिए, एक संतान चाहिए। भगवान ने कहा कि राजा नाभि के कर्मों में संतान नहीं लिखी है, राजा नाभि को कभी भी संतान नहीं हो सकती है, परंतु हे ब्राह्मणों, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि आप मेरे मुख हो, और भगवान ब्राह्मणों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, और भागवत में कई बार आया है भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण का हित करने वाले। भगवान ने कहा, क्योंकि आप लोग मेरी भक्ति करते हो और आप मुझे प्रिय हो,
इसलिए यद्यपि राजा नाभि के कर्म में कोई संतान नहीं है, उनके नसीब में संतान नहीं है, परंतु क्योंकि आपने मुझे प्रसन्न किया है और मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए उनके नसीब में संतान नहीं है, अतः मैं ही उनका पुत्र बनकर प्रकट हो जाऊंगा। तो भक्तों, कुछ समय बीतने के बाद वह दिव्य समय आया। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के प्रियव्रत, प्रियव्रत के आग्निग्रह, आग्निग्रह के नाभि और राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो गए। श्री ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव अवतारा ही असंख्य है। भगवान श्री विष्णु के, कृष्ण के असंख्य अवतार हैं। उन असंख्य अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं। उन 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान ऋषभ देव। भक्तों, हमारे भारत में एक बहुत बड़ा समुदाय है, जैन समुदाय। ये हमारे जैन बंधु भी भगवान ऋषभ देव को स्वीकार करते हैं, भगवान ऋषभ देव को अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं। और ऋषभ देव जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनका जन्म प्रियव्रत महाराज की परंपरा में राजा नाभि के पुत्र के रूप में हुआ। भगवान ऋषभ देव के कर्म बड़े दिव्य थे। ऋषभ का अर्थ ही होता है सुंदर, श्रेष्ठ। उनके कर्म बड़े श्रेष्ठ थे। एक दिन इंद्र को ईर्ष्या हुई और राजा नाभि के राज्य में उन्होंने बारिश करना बंद कर दिया, परंतु भगवान ऋषभ देव की कृपा से, उनके बल से, उनके प्रभाव से इंद्र को छोड़ दिया। उन्होंने अपने प्रभाव से अपने राज्य में बारिश कराई। इस प्रकार उनके कर्म दिव्य हैं। भगवान ऋषभ देव ने विवाह किया जिससे 100 संतान उत्पन्न हुए। गृहस्थियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया भगवान ऋषभ देव ने। श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज, ये अनेकों आचार्यों का कहना है कि यदि कोई पिता, माता पिता अपने पुत्र को भक्त बना सकते हैं तो वह सैकड़ों पुत्र को जन्म दे सकते हैं, और यदि पुत्र को भक्त बनाने की योग्यता नहीं है तो किसी माता पिता को संतान उत्पन्न करने की ये नहीं है। अतः अपने पुत्र को भक्त बनाना चाहिए। भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्र को जन्म दिया। इनके 100 पुत्र हुए और उनके 100 पुत्र को उन्होंने बहुत सुंदर उपदेश दिया। एक दिन संसार में विचरण करते करते ब्रह्मावर्त नामक देश में ये सभी पुत्र भगवान ऋषभ देव से मिले, अपने पिताजी से मिले, और अवसर पाकर भगवान ऋषभ देव ने इन सभी पुत्रों को उपदेश दिया। पिताजी ने देखा, भगवान ऋषभ देव ने देखा कि मेरे सारे पुत्र उपस्थित हैं, तो अवसर पाकर उन्होंने अपने पुत्र को बहुत सुंदर उपदेश दिया, जो भागवत में बहुत सुंदर ढंग से वर्णित है। इस उपदेश को कोई ध्यान से सुनता है तो उनके जीवन का परिवर्तन हो जाता है। भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, बड़े प्रेम से संबोधन देते हैं पुत्र का। कहते हैं, नायम देहो देह भाजा निर्लोक के कष्टान कामान अर्हते विड भुजामिये तपो दिव्यम पुत्र काये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे मेरे पुत्रों, एक पिता का पुत्र को उपदेश है। कहते हैं, मेरे पुत्रों, यह मनुष्य जीवन पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। अयम देह, ये जीवन अर्थात ये मनुष्य का जीवन कष्टान कामान अर्हते विट भुजामी, मल खाने वाले सुवर कुत्तों की तरह जीवन जीने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। सत्य बात है भक्तों,
इस संसार में अन्य अन्य जितनी भी योनियां हैं ये सब भोग योनी है, परंतु ये मनुष्य शरीर भगवान ने भोगों के लिए नहीं बनाया है। महाभारत में भी वेदव्यास मुनि कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभेर नराणाम। इस संसार में यदि बहुत गहराई से देखा जाए तो मनुष्य क्या कर रहे हैं? आहार निद्रा भय और मैथुन, मनुष्य कार्य क्या करते हैं? आहार भोजन करते हैं, निद्रा